बिहार में 243 सीट है, 243 सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे सीट पर हम लोग जीतने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। रहा कि निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ हैं, तो कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, कुछ सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, कुछ पे हमारे लेफ्ट के साथ ही लड़ेंगे, तो वो हम लोग आने वाले समय में डिसाइड होगा। पहले प्रशांत किशोर और अब मुकेश सहनी, नीतीश तेजस्वी को आखिरकार कौन कौन से नेता अब आगे टेंशन देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 विधानसभा चुनाव को तो अभी एक साल बाकी है, लेकिन इससे पहले अलग अलग और नए नए नेता मैदान में आने लगे हैं, जिसके बाद बिहार के दो सबसे बड़ी पार्टी यानी जदयू और आरजेडी और दो सबसे बड़े नेता यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को टेंशन हो गया है। दरअसल बीते दिनों मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान में उन्होंने कहा कि बिहार के 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी भी हम आज से ही शुरू कर दी है। इसी के लिए बीते दिनों दरभंगा पहुंचे हुए थे मुकेश सहनी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, कार्यकर्ताओं को उनसे उन्होंने मीटिंग भी की और उसके बाद ये ऐलान मुकेश सहनी ने किया कि 243 सीटों पर यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी अपने पूरे 243 सीटों पर अपने जो है कैंडिडेट्स उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ चुके हैं और नीतीश कुमार को तो मानो जैसे बड़ा झटका लग गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका प्लान क्या है, वो किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे और इसी गठबंधन में रह करके चुनाव भी लड़ेंगे। अब मुकेश सहनी के इस जवाब से तेजस्वी यादव जरूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि हाल में ही मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें चल रही थी। सियासी गलियारों से बात निकल कर आ रही थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में चले जाएंगे, लेकिन अब सारी अटकलों पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मुकेश सहनी के इस प्लान से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुकेश सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को जितनी मजबूत करेंगे, हमें उतनी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। आगे कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को रिटायर होने का भी कह दिया। उन्होंने ये नसीहत दे डाली, कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार पर बढ़ती उम्र हावी हो रही है, जो भी कुछ बोलते हैं भूल जाते हैं। वहीं मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी के ट्वीट का समर्थन भी किया है। तो जहां एक तरफ देखिए बीते दिनों जदयू में ही बड़ा घमासान जैसा दिखने लगा था, लेकिन हालांकि मामला सब शांत हो चुका और नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी ने मिलकर इन चीज़ों को संभाल लिया, लेकिन इसके बाद अब विपक्ष को मौका मिल गया है और जदयू को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े बयान आने लगे हैं। अब इस समय मुकेश सहनी ने भी चुस्की ली है। उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अब उनका टाइम ओवर हो चुका है। और साथ ही साथ आपको अगर बताएं बिहार के को लेकर के और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इससे पहले प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया था। उनकी जब पदयात्रा समाप्त होती है, जनसुराज पदयात्रा जब प्रशांत किशोर की समाप्त होती है, उसके बाद वो ये ऐलान करते हैं कि वो बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और अक्टूबर के महीने में वो अपने पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो 40 सीट जो है वो मुसलमानों को देंगे और 40 सीट पर महिलाओं को खड़ा करेंगे, जिसके बाद एक तरफ लालू यादव तो टेंशन में है ही, लेकिन अब नीतीश कुमार को भी टेंशन हो गई है। और अब इन सब के बीच मुकेश सहनी ने एक अलग ही जो है एक तरीके से कह ले अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार को, बीजेपी को, एनडीए को टेंशन दे दिया है, क्योंकि बिहार के सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट से जग गई थी कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए में आ जाएंगे। अब इसके बाद जब बीते दिनों मुकेश सहनी ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि वो 2025 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, अब इसके बाद भले ही तेजस्वी यादव शांत तो हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।